ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਅਗਲੀ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਇਓ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੇ हमारा पहला मंसूबा आवाज क्यों भ्रम में भटका किस्सा युग कड़ियों में चिराग बंद है और खामोश अदालत जारी है। आज फिल्म फेस्टिवल में आशीष कोहली सर की फिल्म भी लगाई गई और वहीं पर बात करेंगे इनसे इस वक्त आशीष कोहली सर मौजूद है। सर क्या कहना चाहोगे सर आपकी फिल्म? देखिए सभी दर्शकों को राम राम और टीवीएन नेटवर्क ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सपोर्ट करें, फॉलो करें और आपके काम को भी लोग सपोर्ट करें। देखिए हमारी जो ये मूवी है शराब, इससे सोशल मीडिया पर धमाल मचाई हुई है और आज जब स्क्रीन हुई तो आपने देखा लोगों में कितना उत्साह था। इंडियन आर्मी जिंदाबाद के नारे लगे, भारत माता की जय के नारे लगे, तो यही प्यार है जो लोगों ने दिखाया है। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है वो इससे भी धमाकेदार होने वाला है, तो उसका भी थोड़ा इंतज़ार करें। और इस मूवी से हमने एक मैसेज दिया है, नेक्स्ट पार्ट कब आएगा सर? बस जल्दी ही आने वाला है और उसका ट्रेलर शायद 15 दिनों में रिलीज हो जाए। जो इस मूवी का मेन मैसेज था वो ये था कि रेडिकलाइज यूथ को हम मेन स्ट्रीम में लाएं और आप देख रहे हैं इस मूवी को बड़ा देखा जा रहा है, कश्मीर में देखा जा रहा है। और हमारी अब अगला जो पड़ाव है वो ये है कि इस मूवी को हम स्क्रीन कश्मीर में करने जा रहे हैं। हम जनता से भी पूछेंगे कि उन्हें ये मूवी जो है वो कैसी लगी। मैम आपको ये मूवी कैसी लगी? आपको ये मूवी कैसी? हाँ ये बहुत अच्छी मूवी थी एक्चुअली, इसमें मैसेज दिया गया था जिस तरह से यंगस्टर्स को भटकाया जाता है और बहुत अच्छा मैसेज था एंड मूवी बहुत अच्छी, सबको देखनी चाहिए। कितना रेटिंग देंगे? 10 out of 10, सब कुछ अच्छा था, स्क्रिप्टिंग, कैमरा वर्क, एक्टर्स, सब कुछ अच्छा था। और आप मूवी के बारे में, ये अपनी ही टीम है विक्रम शर्मा सर की और आशीष कोहली जी की, मैं भी सेट पे रहती थी, कॉस्ट्यूम्स मेकअप जो है वो मैं हैंडल करती थी, तो मैंने इसमें एक्ट नहीं किया है बट मैंने मूवी अपने आंखों से देखी शूट होते हुए और आशीष को मैंने फर्स्ट टाइम देखा एक्ट करते हुए, तो मुझे बहुत खुशी हुई जब उन्होंने पहला डायलॉग बोला था और आज मैंने स्क्रीन पर देखा है उनको। और सच में जिस तरह के वो जर्नलिस्ट हैं मुझे लगता है कि एक्टर भी उतने ही अच्छे हैं। बहुत अच्छी लगी है, हम कोहली सर को वैसे भी पहले से भी लाइक करते हैं तो बहुत ही अच्छी मूवी लगी है, तो इस मूवी को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी चाहिए। कितना रेटिंग देंगे आप मूवी को? रेटिंग जितना देंगे इतना कम है, फुल सपोर्ट है हमारी। देखिए स्टोरी बहुत अच्छी थी, अच्छे स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स वगैरह, अच्छी स्क्रीनिंग हुई है फिल्म फेस्टिवल में और जो किरदार आशीष कोहली डोगरा जर्नलिस्ट ने निभाया बहुत अच्छा किरदार है। और ये स्टोरी जो थी वो इसलिए सही थी क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर में लोग जो थे खासकर घाटी के और वो लोग जो आतंकवादी से ग्रस्त थे वो आतंकियों की मदद करते थे, लेकिन अब वक्त बदल चुका है, अब सरकारें भी बदल चुकी हैं, जम्मू कश्मीर के हालात बदल चुके हैं, जो पथराव करते थे वो भी अब सुधर गए हैं, लेकिन अब जो लोग माफ़ कीजिएगा जो लोग आतंकियों का साथ देते थे वो अब हमारी भारतीय सेना का साथ देते हैं, इसलिए धीरे धीरे आतंकवाद भी खत्म हो रहा है। कितनी रेटिंग देंगे आप? देखिए 10 में से 10 ही देंगे। मूवी बेसिकली आपने अंदर देखा होगा कि जैसे हूटिंग थी तो आपको इससे पता चल ही गया होगा कि कैसी थी मूवी, तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी थी। बेसिकली ये टेररिज्म पे थी तो आई वाज लाइक कि ये होना चाहिए, जैसे कुसुम मैम ने भी बोला था कि 370 के बाद अगर कोई मूवी आई है तो ये है, तो मैं यही बोलूँगी कि ऐसी मूवी बननी चाहिए ताकि लोगों को पता चले इसके बारे में जो कोई गलत चीज़ों में इन्वॉल्व है। सो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी मूवी। कितनी रेटिंग देंगे आप इसे? मैं तो 10 out of 10 ही दूंगी, बहुत अच्छी मूवी थी। देखिए शिल्पा सबसे बड़ी ये था कि इसमें एक संदेश था और आप मान के चल सकते हैं कि आने वाले समय में जम्मू के अंदर इतना टैलेंट है ना, तो मैं आपको आप एक पत्थर को तराशो करें उसके नीचे से जम्मू के अंदर टैलेंट निकलेगा, जिस तरह से पंजाब में कहा जाता है ना, आने वाले समय में आप जम्मू को देखेंगे कि पंजाब क्या पूरे बॉलीवुड को जरूर टक्कर देगा। और बड़ा ही बेहतरीन संदेश था और आम जनता की अगर हम बात करते हैं तो आम जनता अब धीरे धीरे एक मानसिकता वाले लोग जो है वो खत्म हो रही है और नई मानसिकता वाले लोग जो है वो अब सामने आ रहे हैं, जिस तरह से हम जैसे युवा हैं तो अब रोल निभा रहे हैं कि हम चाहते हैं कि आने वाले समय में एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और हम इसी तरह से अदाकारी भी करें, कलाकारी भी करें और जनता तक, जिस तरह से आपने देखा कि शराब मूवी की आप बात कर रहे हैं तो बड़ा ही बेहतरीन उसमें अदाकारी भी देखने को मिली है और संदेश भी देखने को मिला है। क्या कहना चाहेंगे सर मूवी के बारे में?
देखिए शराब फिल्म हमने आज नहीं देखी है, हमने उस दिन भी देखी थी जिस दिन आशीष सर ने इस फिल्म को रिलीज़ किया था, और यकीन मानिए कि उसी दिन हम इस फिल्म से इतने ज़्यादा देखकर इतने ज़्यादा मोटिवेट हुए थे। देश प्रेम क्या होता है वो बताने की कोशिश की है। तो नो डाउट आशीष सर एक ऐसे पत्रकार हैं जिनका कोई मुकाबला भी नहीं है जम्मू में, तो उनकी फिल्म तो बेहतर है ही, और आज वो फिल्म बहुत बड़ी अचीवमेंट्स भी लेगी ये भी हमें उम्मीद है। कितना रेटिंग देंगे सर? रेटिंग आप अगर मान के चले मेरे हिसाब से तो 10 में से 9 तो बनते हैं। आप? मेरे हिसाब से 10 में से 100 तो होने चाहिए। आज फिल्म फेस्टिवल में आशीष कोहली सर की या मूवी या दिखाई गई फिल्म दिखाई गई, और वहीं पे बात करें जिस तरीके से शराब मूवी या दिखाई गई और लोगों से पूछा और लोगों ने सबका यही कहना है कि मूवी बहुत अच्छी है, थीम बहुत अच्छा है, और सब क्या यही कहना है कि उन्हें रेटिंग 10 out of 10 दी जाती है। और मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगी कि यूट्यूब पर जाइए, उनकी फिल्म देखिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, और कमेंट सेक्शन पर अपनी राय जो है वो ज़रूर रखिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आपको फिल्म कैसी लगी। देखते रहिए टीवी नेटवर्क न्यू अपडेट्स के साथ, शिल्पा शर्मा के साथ, कैमरामैन गोपाल।